बसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज बेसिक स्टैटिस्टिक्स बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स टॉपिक है आज का बेसिक स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एक मखसूस एरिए में कितने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है ये डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं जो भी डाटा हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं उस डाटे को हम रॉ डाटा कहते हैं फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं और उसी डाटे को हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं फिर हम दो मेथड्स हैं जिनसे उस अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें हम डेटे को डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में जो भी उस डेटे की वैल्यूज़ हैं उनको लिखते हैं क्लासेस या ग्रुप्स का मीनिंग सेम है द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि कलेक्शन ऑफ डाटा स्टेटिस्टिक्स और जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो अनग्रुप डाटा कहलाता है जब हम क्लासेस या ग्रुप्स में उस अनग्रुप डाटे को कन्वर्ट कर देते हैं और टेबुलर अरेंजमेंट कर लेते हैं तो वो डाटा ग्रुप डाटा बन जाता है अब जो ग्रुप डाटा है उसको दो तरीक़ों से हम बना सकते हैं

क्वेश्चन में हमें डिस्क्रीट वेरिएबल गिवन होगा और अगर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल गिवन होगा तो फिर कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है यह समझना जरूरी है डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज डेसिमल में पॉसिबल ना हो यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फ्लावर्स नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी डेसिमल में पॉसिबल नहीं हैं अगर एक क्लास में थर्टी स्टूडेंट्स हैं ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं फिफ्टीन स्टूडेंट्स हैं तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ डिस्क्रीट होंगी डेसिमल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं हैं इसी तरह नंबर ऑफ़ फ्लार्स और नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स भी डेसीमल में पॉसिबल नहीं होंगे मार्क्स ऑफ ट स्पीड ऑफ अ कार वेट और हाइट ऑफ स्टूडेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो स्टूडेंट्स मार्क्स गेन करते हैं किसी भी टेस्ट में या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में वो मार्क्स डेसिमल में पॉसिबल होते हैं ऑल दो उन मार्क्स को राउंड ऑफ करके होल नंबर में कर दिया जाता है बट दे आर पॉसिबल इन डेसिमल्स कार की स्पीड भी 140 किलोमीटर किलोमीटर्स पर आर भी हो सकती है 140.5 किलोमीटर किलोमीटर्स पर आर भी हो सकती है इसी तरह किसी भी स्टूडेंट का वेट या हाइट किसी बच्चे का वेट एग्जैक्ट 40 के भी हो सकता है 40. पॉइंट समथिंग so के भी पॉसिबल है तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल अब डिस्क्रीट वेरिएबल के डेटे को कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाना है और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल को किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है ये हम समझेंगे जी स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर वन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में डिस्क्रीट वेरिएबल गिवन है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज जो डेटा नीचे दिया गया है ये नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स को शो कर रहा है अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी फैमिली के मेंबर्स की तादाद ऑलवेज डिस्क्रीट होगी किसी फैमिली में चार मेंबर्स हो सकते हैं छः हो सकते हैं 3.5 पॉइंट मेम्बर्स किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं हैं तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है उसके अलावा उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो फाइंड टि फ्रीक्वेंसीज़ तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो so, जब भी आपको होगा, ये नीचे इसमें आपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चेक कर लेनी है और वो आप वन बाय वन करके पहले स्मॉलेस्ट चेक करेंगे तो वो यहां पर टू स्मॉलेस्ट वैल्यू है और फिर वन बाय वन आप चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ट्वेल्व है और एंड तक चेक करेंगे तो ट्वेल्व ही इसमें मैक्सिमम है तो जब डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और सिंपल वेरिएबल की वैल्यूज लिख लेंगे मिनिमम वैल्यू टू थी मैक्सिमम वैल्यू ट्वेल्व थी तो टू से ट्वेल्व तक हमने तमाम वैल्यूज लिख ली इनके अलावा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इस में पॉसिबल नहीं है अब ये जो डेटा था ये अनग्रुप डाटा है इसको अब हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे आफ्टर मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब इसका तरीका ये है नेक्स्ट कॉलम मार्क्स का है यहां पे आपने एक वैल्यू चेक करनी है और उसको देख रहे हैं कहाँ पे फॉल कर रहा है नाइन यहाँ पे है तो नाइन के सामने आप एक मार्क लगाएंगे अब इसमें आप इस नाइन को टिक करना चाहें या कोई भी सिंबल लगाना चाहें ताकि वैल्यू मिस ना हो जाए तो जैसे मैंने टिक लगाया उस तरीके से आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं और नाइन के सामने आपने एक मार्क लगा दिया दिस इज कॉल्ड टेली मार्क देन इलेवन है फिर फोर फोर के सामने आप एक मार्क लगाएंगे फाइव सिक्स एट फोर यहां पे आप टिक लगाते जाएंगे और इधर मार्क करते जाएंगे सेवन एट फाइव फिर फाइव है देन एट थ्री फोर नाइन ट्वेल्व एट नाइन टेन सिक्स सेवन टू टाइम्स है जो इस तरह दो वैल्यूज इकट्ठी आ जाए दोनों को इकट्ठा टिक कर लें इलेवन इलेवन के बाद फिर फोर टू टाइम्स है अब ये देखें जब वन टाइम मैंने लगाया तो ये टोटल फोर वैल्यूज होगी जो सेकंड है वो फिफ्थ वैल्यू आपने आगे मार्क नहीं करनी जब एक क्लास में या एक ग्रुप में फाइव वैल्यूज आएंगी तो पांचवी वैल्यू को क्रॉस करके पांच का एक ग्रुप बना देना है इससे काउंट करने में आपको आसानी होगी अब इसी तरह अगर फर्दर इसके आगे और फाइव वैल्यूज आती है तो फोर हम मार्क लगाएंगे और देन फिफ्थ को हम क्रॉस कर देंगे ताकि वो फिर पांच का एक ग्रुप बन जाएगा नेक्स्ट वैल्यू है एट अब एट में भी ऑलरेडी फोर मार्क्स लगे हुए हैं तो फिफ्थ हमने आगे नहीं लगाना फिफ्थ को क्रॉस करेंगे देन फोर थ्री टू सेवन और नाइन है पहले सेवन लगा लें देन नाइन उसके बाद टेन नाइन नाइन में भी अब फोर ऑलरेडी मार्क्स लगे हुए हैं फिफ्थ पहली मार्क क्रॉस करके हम फाइव का ग्रुप बनाएंगे सेवन सेवन में भी ऑलरेडी फोर है तो फाइव को क्रॉस किया पांच का ग्रुप बन गया सिक्स नाइन फाइव और सेवन ये हमने इन तमाम वैल्यूज को इस कॉलम में मार्क कर लिया अब फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसी मींस तादाद अब तादाद इसमें काउंट कर लेनी है टू फैमिली मेंबर्स एक इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी क्योंकि एक टैली मार्क है जीरो वन भी लिख सकते हैं खाली वन भी लिख सकते हैं इधर काउंट करें वन टू थ्री थ्री आ गया फाइव का ग्रुप है एक मार्क और है तो ये सिक्स हो जाएगा टोटल फोर थ्री फाइव प्लस वन सिक्स फाइव फाइव प्लस वन सिक्स टू फिर टू और लास्ट वन ये हमने फ्रीक्वेंसीज निकाल ली अब ये फ्रीक्वेंसीज क्या शो कर रही हैं टू फैमिली मेंबर्स ऐसे फैमिलीज जिनमें दो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक फैमिली है उसकी तादाद एक है थ्री फैमिली मेंबर्स थ्री फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स थ्री हैं सिक्स फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स फोर हैं एंड सो ऑन ये इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली अब आप इसको अपनी सहूलत के लिए इतना चेक कर सकते हैं कि जितनी ये वैल्यूज हैं टोटल टोटल इन्हें काउंट कर लें और इस फ्रीक्वेंसी का करें तो वो बिल्कुल सेम आना चाहिए लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका क्वेश्चन ठीक है ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आपने कोई वैल्यू छोड़ तो नहीं दी ये तरीके से आप चेक कर सकते हैं लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू एट है आपने एट वाले ग्रुप में लगानी थी लेकिन गलती से आप नाइन वाले ग्रुप में इसे लगा देते हैं तो सवाल गलत होगा ऑल दो आपकी ये वैल्यूज का टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होगा भी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है तो इसलिए इन वैल्यूज को जब आपने टेली मार्क्स में लगाना है तो बहुत तवज्जो से गौर से समझ बूझ के लगाना है इधर टिक लगाते जाएं इधर उसको मार्क करते जाएं ताकि कोई गलती ना हो अब नेक्स्ट हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है सी एफ हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज हैं, इनका रनिंग टोटल करेंगे क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना तो फ्रीक्वेंसी को हमने इकट्ठा करना है अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी क्योंकि यहां तक टोटल फ्रीक्वेंसी वन है उसके बाद सी एफ के कॉलम में वन आया वन में थ्री एड करें वन प्लस थ्री इज इक्वल टू ये सी एफ के कॉलम में फोर आ जाएगा ये लिखना जरूरी नहीं है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इसी तरह फोर प्लस सिक्स हो जाएगा यहाँ पे सी एफ की वैल्यू फोर है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सिक्स है तो फोर प्लस सिक्स टेन आ गया टेन में फोर एड करें फोर्टीन आ गया फोर्टीन में थ्री एड करें सेवनटीन सेवनटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस फाइव ट्वेंटी एट प्लस सिक्स थर्टी फोर थर्टी फोर में टू ऐड करें थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में टू ऐड किया थर्टी एट और थर्टी एट में वन ऐड किया थर्टी नाइन अब जो क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वैल्यू आएगी वही फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल होगा और इन वैल्यूज को आप काउंट करें तो ये वैल्यूज भी डेफिनेटली थर्टी नाइन होगी तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई देन क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की जी स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का डाटा गिवन है तो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डाटा हैज बीन अपटेन्ड आफ्टर वेइंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव चालीस स्टूडेंट्स हैं फिफ्थ क्लास के जिनका वेट रिकॉर्ड किया गया है अब वेट हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो ऑल दो यहां पर तमाम वैल्यूज होल नंबर में है बट वेट ऑफ एनी स्टूडेंट इज पॉसिबल इन इसलिए वेट ऑफ स्टूडेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होगा अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हम ग्रुप्स या क्लासेस बना सकते हैं जो डिस्क्रीट वेरिएबल था वहां पे हम क्लासेस नहीं बना सकते क्योंकि वो डिस्क्रीट वेरिएबल पॉसिबल नहीं होता डेसिमल्स में अब इसमें भी प्रोसीजर वही है क्वेश्चन पहले कंप्लीट पढ़ लेते हैं मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज फाइव अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है क्लास इंटरवल का साइज गिवन है फाइव अब इसमें भी हम जो भी डाटा गिवन है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे मैंने यहां पे ऑलरेडी चेक करके लिखी हुई है उसके अलावा हमने ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है और मिड पॉइंट भी बनाने हैं उसका तरीका मैं आपको एंड पे बताऊंगा अब ये जो वैल्यूज गिवन है डेटे में इसमें से आपने मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को हम एक्स नॉट से शो करते हैं तो मिनिमम वैल्यू इस डेटे में ट्वेंटी वन है और मैक्सिमम वैल्यू फोर्टी वन है और एच मीन्स क्लास इंटरवल साइज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइव तो एच की वैल्यू फाइव है अब मिनिमम वैल्यू ट्वेंटी वन है तो आप ट्वेंटी वन से भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं बेहतर यह है कि आप 21 के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ फाइव या मल्टीपल ऑफ टेन देखें कौन सी वैल्यू है जो इससे पीछे हो आगे की तरफ नहीं देखना क्योंकि 21 डेफिनेटली फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होनी चाहिए तो 21 के नियरेस्ट 20 ऐसी वैल्यू है जो मल्टीपल ऑफ फाइव भी है और मल्टीपल ऑफ टेन भी है तो क्लासेज हम ट्वेंटी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्लास इंटरवल फाइव है तो ट्वेंटी से ट्वेंटी फोर पहली क्लास बनेगी अब आप काउंट करें ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर टोटल फाइव वैल्यूज हो गई अगर इंटरवल थ्री होगा तो ट्वेंटी से ट्वेंटी टू तक क्लास बनेगी आपने काउंट कर लेनी है वैल्यूज एक ग्रुप में पांच वैल्यूज फॉल करनी चाहिए अब 24 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 25 है तो नेक्स्ट क्लास 25 से स्टार्ट करेंगे 25 टू 29 अब आसान तरीका ये है यहां पे देखें 24 आया था तो नेक्स्ट वैल्यू 25 आई अब इसमें 5 ऐड कर दिया ये 29 आ जाएगा 29 से नेक्स्ट वैल्यू 30 होती है यहां 30 लिखें इसमें 5 ऐड करें क्योंकि क्लास इंटरवल 5 का है तो 34 आ गया यहां 35 आ जाएगा और इसमें फाइव ऐड करें तो थर्टी नाइन फिर नेक्स्ट फोर्टी आ जाएगा और इसमें फाइव ऐड करें तो फोर्टी फोर अब देखें जो मैक्सिमम वैल्यू इस डेटे में है वो फोर्टी वन है फोर्टी वन इस लास्ट क्लास में जो हमने लिखी है इसमें फॉल कर रही है तो इससे आगे क्लासेस नहीं बनाएंगे अब टैली मार्क्स का तरीका वही है जो डिस्क्रीट वेरिएबल में किया फर्स्ट वैल्यू थर्टी फोर है थर्टी फोर थर्टी टू थर्टी फोर के ग्रुप में आएगी यहाँ पे टैली मार्क कर लेंगे फिर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन के ग्रुप में आ गई थर्टी थ्री इधर से आपने मार्क करना है और यहाँ ग्रुप देख लेना है किस ग्रुप में वो वैल्यू फॉल कर रही है वहां पे आपने एक टैली मार्क लगाते जाना है थर्टी टू सेम ग्रुप में आएगी ट्वेंटी फोर फर्स्ट ग्रुप में आएगी ट्वेंटी वन भी फर्स्ट ग्रुप में आएगी थर्टी सेवन थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन के ग्रुप में आ गई फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी फोर के ग्रुप में आई फोर्टी वन भी यहाँ पे आएगी ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन वाले ग्रुप में आई फिर ट्वेंटी एट है इसी ग्रुप में आ जाएगी वैल्यू थर्टी वन थर्टी टू थर्टी फोर में फॉल करेगी थर्टी थ्री भी इसी ग्रुप में फॉल करेगी और यहाँ चार वैल्यूज ऑलरेडी मार्क हो चुकी हैं तो पांचवी वैल्यू हम क्रॉस कर देंगे फिर थर्टी फोर आ गया इसी ग्रुप में आएगी वैल्यू थर्टी सेवन थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन वाले ग्रुप में आई फिर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर के ग्रुप में ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन वाले ग्रुप में थर्टी वन टू टाइम्स है तो थर्टी टू थर्टी फोर वाले ग्रुप में दो मार्क और लगा दिए देन थर्टी सिक्स थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन वाले ग्रुप में फिर ट्वेंटी नाइन यहाँ पे चार ऑलरेडी हैं पांचवी क्रॉस कर दी थर्टी फाइव थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन वाले ग्रुप में थर्टी सिक्स भी इसी ग्रुप में आएगी चार ऑलरेडी हो चुकी हैं पांचवी क्रॉस कर दी थर्टी सेवन थर्टी एट ट्वेंटी टू फर्स्ट ग्रुप में आएगी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन में फॉल कर रही है ट्वेंटी एट भी इसी ग्रुप में फॉल कर रही है ट्वेंटी नाइन भी इसी ग्रुप में फॉल कर रही है थर्टी वन थर्टी टू थर्टी फोर में ये भी चेक कर लेना है अभी थ्री हैं ये फोर्थ आई ये अब अगर इस ग्रुप में आएगी उसे भी क्रॉस करेंगे थर्टी फाइव अब थर्टी फाइव थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन वाले ग्रुप में आ गई फिर थर्टी फाइव है इसी ग्रुप में आएगी फोर्टी नेक्स्ट ग्रुप, तो ग्रुप में आ गई ट्वेंटी वन फर्स्ट ग्रुप में आएगी यहाँ पे फोर ऑलरेडी है फिफ्थ को क्रॉस कर दिया थर्टी टू थर्टी टू थर्टी फोर वाले ग्रुप में वन टू थ्री फोर ऑलरेडी लग चुकी हैं तो ये पांचवी को फिर क्रॉस कर देंगे फिर थर्टी थ्री इसी ग्रुप में आएगी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन वाले ग्रुप में ट्वेंटी नाइन ग्रुप में तो चार ऑलरेडी लग चुकी हैं पांचवी हमने क्रॉस कर दी फिर थर्टी थर्टी टू थर्टी फोर वाले ग्रुप में आ गई अब तमाम वैल्यूज को हमने मार्क कर लिया किस किस ग्रुप में फॉल कर रही हैं अब इसका टोटल कर लेंगे फाइव प्लस वन फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी सिक्स हो जाएगी फाइव प्लस फाइव टेन फाइव प्लस फाइव टेन प्लस टू ट्वेल्व फाइव और फोर ये मार्क्स हैं तो फाइव प्लस फोर नाइन और लास्ट ग्रुप में थ्री वैल्यूज हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई अब आप इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करें और इन वैल्यूज को काउंट करें तो नंबर ऑफ वैल्यूज और समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम सेम होगा अब हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं ये हमारे पास क्लासेस हैं हर क्लास की एक लोअर क्लास लिमिट है और एक अपर क्लास लिमिट है 20 लोअर क्लास लिमिट 24 अपर क्लास लिमिट लोअर और अपर लिमिट को ऐड करें और टू पे डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट आ जाएगा 20 प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो रिजल्ट 22 आ जाएगा फिर 25 प्लस ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई टू करें तो रिजल्ट 27 आ जाएगा ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इन दोनों लोअर और अपर लिमिट्स को ऐड करें फिर इक्वल टू का साइन दबाएंगे देन डिवाइडेड बाय टू करेंगे अगर इक्वल टू का साइन दबाए बगैर आपने डिवाइडेड बाय टू किया तो आंसर रोंग आएगा अब आप एक दो वैल्यूज निकाल लें हमें पता है कि क्लास इंटरवल साइज फाइव है तो इसमें फाइव एड करते जाए वो इन तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट डेफिनेटली वही निकलेंगे आप ये देखें 22 के बाद नेक्स्ट ऐड करके हमने किया तो 27 रिजल्ट आया अब 22 में 5 ऐड करें तो तब भी रिजल्ट 27 ही आ रहा है 27 में 5 ऐड करें तो नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट 32 होगा 32 में 5 ऐड करें तो 37 और 37 में 5 ऐड करें तो 42। अब आप अगर एहतियातन तसली करना चाहते हैं तो 40 और 44 को ऐड करें डिवाइडेड बाय 2 करें तो रिज़ल्ट डेफिनेटली 42 आएगा अब लास्ट क्लास बाउंड्रीज हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज स्टूडेंट तब बनाते हैं जब क्लासेस जो हमने बनाई हो या गिवन हो उनमें किसी भी क्लास की अपर क्लास लिमिट और अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट में गैप हो जैसे यहां 24 है तो नेक्स्ट वैल्यू 25 है तो एक वैल्यू का गैप है अगर यहां 24 के बाद यहां भी 24 होता या यहां 25 होता और इधर भी 25 होता यानी अपर क्लास लिमिट और अगली लोअर क्लास लिमिट जो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट है वो सेम होगी तो क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं होगी वही क्लास बाउंड्रीज होंगी अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका यह है कि अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करेंगे तो 20 में से 0.5 माइनस करें तो 19.5 आ गया और 24 में 0.5 ऐड करें तो 24. फाइव नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी करेंगे तो डेफिनेटली जो वैल्यू यहां लिखी हुई है वही आएगी क्योंकि इस गैप को खत्म करना ही मेन मकसद है क्लास बाउंड्री बनाने का अपर लिमिट ट्वेंटी है इसमें करें तो ट्वेंटी इसी तरह लोअर लिमिट में से पॉइंट फाइव माइनस करते जाएं और अपर लिमिट में एड करते जाएं तो क्लास बाउंड्रीज आती जाएंगी ये स्टूडेंट्स हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली आज के लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल से समझी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़